अपना अपना नाम लो, अपना अपना नाम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दिव्या नेचुरल ब्लॉग। तो चलिए आज हम ले चलते हैं आपको एक न्यू जगह पे, ये थीम पार्क। और आज हम लोग आए थीम पार्क में। जनवरी का महीना हो और स्कूल में छुट्टियां हो तो घर पे किसे मन लगने वाला, तो हम लोग आ गए हैं पिकनिक मनाने के लिए बच्चों के साथ। छुट्टियों में पहाड़ों के ऊपर चढ़ने का मन हो ना तो एक बार थीम पार्क जरूर आइए और देखिए कि मैं कैसे पहाड़ों पे चढ़ रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग जरूर आइएगा। और हाँ, अगर ऊंचाई से डर लगता होगा तो बिल्कुल भी नहीं आना यहाँ पे। हाँ? एक मेरा खींच दीजिए। हम लोग हैं यहाँ पे पहाड़ पे, सबसे ऊंची पहाड़ पे। ऐसे ऐसे पैर करिए, चलो सबसे देखिएगा मेरा। नहीं, हम लोग घूमने यार बहुत ही मजा आ रहा हम लोग को। आप लोग लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आज के इस वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है आप लोग को। और देखिए लोग, ये मैं आ गई पहाड़ पे और आज मेरा मूड है डांस करने का पहाड़ के ऊपर। और जल्दी से दौड़ के पहाड़ के ऊपर चढ़ना, जल्दी जल्दी कूद कूद ये। देखिए हम लोग आए हैं यहाँ पे पहाड़ पे, इतने ऊंचे पहाड़ पे। और कैसा लग रहा, मजा आ रहा आप लोग को? बहुत प्राकृतिक वादी यहाँ देखिए। हाँ, अगर आप लोग को प्रकृति से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा जगह चाहिए तो आ जाइए आप लोग थीम पार्क टेलको जमशेदपुर। और यहाँ देख लीजिए इतने पहाड़, बड़े बड़े पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ सब यहाँ पे। यहाँ पे सब सेल्फी क्वीन आई हुई हैं, अपना सेल्फी ले रही हैं, फोटो ले रही हैं, वीडियो ले रही हैं। और इसी पहाड़ से हम नीचे जाते हुए आप लोग को दिखाएंगे, धीरे धीरे से नीचे जाते हुए। और यहाँ बाबू को थोड़ी सी डर लग रही है। क्यों डर लग रही है बाबू? और इसे डर लग रही है, लेकिन देखिए। और मैं कैसी लग रही हूँ ये बताइएगा। और यहाँ हम लोग जा रहे हैं, हो जाएगा, कोई डरने की बात नहीं। आ जाओ। और यहाँ पे चल रही है सेल्फी क्वीन लोग आई हुई है यहाँ पे, देख लीजिए सबको। हाँ, आ जाइए, जाओ। अच्छा ठीक है, आई आ जाइए धीरे धीरे। पीली सो बोल दिया जो पीली, हम मार दे जाएंगे पीली। तो क्या उतरो 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 हां तेरा इस पर चल जाए तेरा साइकिल। प्लीज मम्मा बोल रहा हूं। तो यहां का ब्रिज देखिए, हम लोग ब्रिज के पास आए हैं, लेकिन ब्रिज यहां का
टूटा हुआ है, ये देखिए मैं पास से आपको दिखाते हुए, देखिए पूरा ब्रिज टूटा हुआ है, इसलिए हम लोग इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। और ये समझ चिल्ला रहा है कि मामा अंदर नहीं जाना, मामा अंदर नहीं जाना, जैसे कि मामा तो बुद्ध है, हाँ। मामा अंदर चली ही जाएगी। टूटा हुआ है, टूटा हुआ है। और यहाँ का पानी देखिए नीचे में कितना गंदा पानी है, कितना अच्छा है, अच्छा है लेकिन गंदगी है बहुत ज्यादा। झूला अजीब नहीं लग रहा, मैंने आ गए झूला जल्दी ले आ गए, और ये देखिए कि कैसा रास्ता टूटा हुआ है और उस पर बच्चे कैसे जा रहे हैं, उधर कुछ बच्चे लोग नहा रहे हैं और ये टूटा हुआ है उस पर देखिए कि मैं पास से दिखाती हूँ कैसे बच्चे लोग जा रहे हैं। बहुत ही रिस्की चीज़ है, पूरा बीच का टूटा हुआ दिख रहा है ना, उस पर जा रहे, क्या बोल सकते, कुछ नहीं बोल सकते हैं आप लोग। मेरा हीरो बेटा क्या हुआ, घूमो इधर उधर तभी तो मन लगेगा, गोल गोल घूमो उसके अच्छा लगेगा, घूमो तो मेरा छोना बिट्टू। मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। हाँ मम्मी देख यहाँ दिख रहा है, हाँ है है। मम्मा चलो ना जल्दी आइए जल्दी आइए, इधर इधर रास्ता है, चलो नहीं दूर नहीं आवाज ही अभी ठीक। पिकनिक के पास ही मंदिर भी थी तो हम लोग यहाँ मंदिर भी आए हैं। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर का, अगर वीडियो में बना पाई तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मंदिर है थीम पार्क के बगल में ही। आप लोग अगर जमशेदपुर को हो तो होगी तो पता होगा, नहीं होगी तो फिर वीडियो में देख लो। और चलिए मंदिर के अंदर चलते थे, बड़ा मंदिर बन रहा है मम्मा, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा ही मंदिर बन रहा है। टिल्को मंदिर है, टिल्को मंदिर, आइए हम आप लोग को दिखाते हैं टिल्को मंदिर। इससे वो डर नहीं, पपी है कुछ नहीं करेगा वही। मम्मा ये तो रही तेरी, ये कुछ नहीं काटेगा, चलो चूचू चलो बाल बाल, हाय करो हाय। देखो देखो हैंडशेक करता था, नाचता था, तो मुंह खा लेगा जानते हैं। देखो खाने की चीज है तो ये देख कितना सॉफ्ट है ना, कुछ नहीं करेगा, जीभ भी चाटने को दे रहा है।
शाम होने वाली तो अब हम लोग घर जा रहे हैं। देखिए कभी कुछ लोग यहाँ पे आ ही रहे हैं और पार्क के बाहर में कुछ एक दो स्टॉल लगा हुआ था और हम लोग अभी घर जा रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग को ऑटो लेना है। ऑटो के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं, थोड़ी सी ऑटो मिलने के बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे, कुछ खा पी लेंगे, उसके बाद सीधा हम लोग घर जाएंगे। आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, मैं कैसी लगूँ ये भी आपको ज़रूर बताना कमेंट करके।